देखिए, लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया था, और दे दो बुक दे दो। और मैंने आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वाली प्रॉब्लम लास्ट क्लास में बता दी है। ठीक है, अब देखो यार, अब अपन नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो, अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करने वाला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 32, पेज नंबर 224, एग्जांपल नंबर 32। चलो देखो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल 32, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज फॉर द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, यार फंक्शन दे रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ये आपको मैंने सवाल दे दिया, आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करना है। देखो, तो ये फंक्शन है अपने पास पावर 4 का है। मैंने बताया था मैक्सिमा और मिनिमा की सबसे ज़्यादा मिलने की शर्त वहाँ पे होती है जहाँ पर ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम जाता है या मिनिमम से मैक्सिमम जाता है, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। ले करो भाई, एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 4x की पावर 4 माइनस 1, 4 3 जा 12 हो जाएगा बेटा क्यूब माइनस 24x। ये आ गया, लगे हाँ तो कॉमन ले लो 12x, यहाँ से कितना आ गया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है जी, ये इसको वो कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक, ट्वेल्व एक्स एक्स प्लस 2x माइनस 1, ये आ गया मेरे पास क्या, एफ डैश एक्स। ठीक है ना, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, इसको नंबर 1 ले ही लो, काम का है। ओके, एट क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो 12x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो एक तो आया x इक्वल टू जीरो, एक आया x इक्वल टू कितना माइनस 2, एक आया x इक्वल टू कितना प्लस 1। तीन पॉइंट आ गए बेटा, ये तीन पॉइंट आए हैं। अब देखिए, अब आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, एब्सोल्यूट वाला सवाल नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट में आपको एंड पॉइंट दिए होते थे, याद करो एब्सोल्यूट में आप कब पैदा हुए और कब खत्म हुए तब तक की पॉइंट चलती थी, मतलब जिंदगी भर की बात हो रही है। कौन बुला रहा उसको, आ जाएगी जाओ। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट क्यामत से क्यामत तक की बात हो रही थी, तो ए से स्टार्ट से लेके एंड तक जो है, एंड तक अपने पास जो है वो चलता है ना, स्टार्ट से एंड तक। बट इसमें नहीं है बेटा, तो इसको करने का तरीका दूसरा है। अब मैं बताता हूँ, अब मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे इसको करेंगे। देखो, उस दिन याद करो मैंने बताया था कि अगर जैसे ये पॉइंट अपना x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो है, अगर x इक्वल टू जीरो के अक्रॉस स्लोप अगर dy/dx ग्रेटर देन से लेसर देन जाए, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, तो अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव होगी तो वो पॉइंट जो बीच में पड़ेगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा बताओ। हाँ तो हाँ, रेस्ट तो है, बट रेस्ट ही तो मैक्सिमा या मिनिमा होता है ना, तो वो क्या बनेगा, मैक्सिमा। बिल्कुल सही, मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमा। तो बेटा करना क्या है आपको, कि आपको जीरो के पहले और जीरो के बाद में नेचर चेक करना है, किसका, एफ डैश एक्स का। किसका चेक करना है, एफ डैश एक्स का। हाँ, जीरो के पहले मतलब माइनस 0.1 और जीरो के बाद में मतलब प्लस 0.1 नेचर चेक करोगे। अगर जीरो के अक्रॉस एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, मतलब वो जीरो क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर जीरो के अक्रॉस वैल्यू नेगेटिव से
पॉजिटिव जाए, मतलब स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में है ना? इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें अपन एफ डैश एक्स इस पे चेक करते हैं। एक और चेक होता है जिसको सेकंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। पहले इतना नोट करो, फिर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव समझाता हूँ। इतना नोट कर लो, फोटो ले लो, फोटो खींचनी हो तो फटाक से ग्रुप पे ठोक दो। ले ली? चलो देखो, अब ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमको पता लगाना है, ये बेटा मेन है एफ डैश एक्स, ये मेन है अपना एफ डैश एक्स, ये बहुत काम का है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि x इक्वल टू जीरो जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है ना। देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही, x इक्वल टू माइनस टू पे भी देखेंगे और वन पे भी देखेंगे। तो सबसे पहले जीरो पे देखते हैं, तो मैं लिखूंगा अक्रॉस x इक्वल टू जीरो, अक्रॉस x इक्वल टू जीरो, अक्रॉस मतलब जीरो के आजू बाजू। देखो ये सिचुएशन हो सकती है, ये मान लो ये सपोज पॉइंट है x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, तो ये जो रीजन कहलाएगा ये कहलाएगा लेसर देन जीरो और ये कहलाएगा x ग्रेटर देन जीरो। तो हो सकता है कि इसके अक्रॉस जो स्लोप है एफ डैश एक्स कैसा जाए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी जा सकता है, हो सकता है, और हो सकता है ये हो जाए, है ना। अब अपन को देखना है कि राइट कौन सी सिचुएशन है। तो चलिए अब लेते हैं अपन x लेस देन जीरो, अपने मन से जीरो से छोटा कोई पॉइंट ले लो, जीरो से पीछे माइनस जीरो पॉइंट, हाँ माइनस में तो आएगा, जीरो पॉइंट वन ले लो, ले लिया माइनस जीरो पॉइंट वन ले लिया, ठीक है बेटा। माइनस वन ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो माइनस वन ले लेते हैं, माइनस जीरो पॉइंट वन वो पॉइंट, हाँ थोड़ा मतलब होल नंबर तो नहीं कहलाएगा माइनस वन, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत होती है जीरो से, इंटीजर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो माइनस वन ले लो। चलो माइनस वन ले करके, चलो जाओ जल्दी से जाओ बाहर जाओ, हाँ तो माइनस वन ले करके, माइनस वन ले करके माइनस वन के पीछे और माइनस वन के आगे एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो, चलो माइनस वन। अब देखना तो एट एक्स लेस देन जीरो एफ डैश एक्स, हाँ 12 का साइन क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, हाँ मैं बोल रहा हूँ किसका साइन क्यों बता रहा हूँ, मान ले बेटा ये माइनस 12 आता तो उसका साइन भी लेना पड़ता, इसलिए मैं कहता हूँ जीरो से इसको उड़ा मत दिया करो, पता चला माइनस आ गया तो एक वैल्यू ही गई तुम्हारी, है ना। तो 12 का साइन बोलो क्या, पॉजिटिव। x का साइन क्या, अभी बोला तुमने माइनस वन, वैल्यू पुट करने के बाद माइनस वन, चलो माइनस वन प्लस टू क्या हुआ, प्लस वन, माइनस वन माइनस वन कितना, माइनस टू आ गया जी। चलो चेक करो, प्लस माइनस माइनस, मेरे को साइन से मतलब है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, मतलब इसके इस तरफ एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो के लेफ्ट में क्या है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो के लेफ्ट में है ग्रेटर देन जीरो, है ना। और जीरो के राइट में देखो, जीरो के राइट में कोई वैल्यू ले लो क्या होगी, प्लस वन मत लेना, क्योंकि वन पर फंक्शन खुद आराम कर रहा है, मतलब वन पर वो खुद मैक्सिमा है मिनिमा है, तो वन मत देखो, जीरो के आगे थोड़ा सा ले लो, जीरो पॉइंट वन ले लो, क्या ले लिया, जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट फाइव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वन मत लेना, क्योंकि वन पुट करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, करके देख लो, यहाँ कुछ आएगा यहाँ कुछ आएगा, बट वन माइनस वन कितना, जीरो, तो वो तो खुद ही क्रिटिकल पॉइंट है, उस पर तो अपन को खुद ही रेड मारनी है, उस पर अपन को खुद रेड मारनी है, है ना, तो उस पर क्यों चेक करें। चलो देखो जी, तो x इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव ले लो, चलो ये बोलो पॉजिटिव, ये भी क्या, जीरो पॉइंट फाइव प्लस टू पॉजिटिव, और 0.5 माइनस वन माई नेगेटिव, हाँ बोलो, अभी पहुंचे ही नहीं भैया, जीरो की तो पूरी कहानी हो जान दो, जीरो के जस्ट पीछे और जीरो के आगे वो वन, वन का आबाद में आएगा, पहले जीरो पर तो चेक कर लो, अब जीरो के पहले देख लिया आपने स्लोप क्या है, पॉजिटिव आया, अब जीरो के आगे देखो क्या आ रहा है, हाँ चलो ये बोलो 12 पॉजिटिव, ये क्या, ये क्या, ये क्या, नेगेटिव आया, समझना, मतलब ओवरऑल एफ डैश एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एफ डैश एक्स क्या हुआ, लेस देन जीरो, आया समझ में, नेगेटिव आ गया, आ गया नेगेटिव, मतलब कि एक्स इक्वल टू जीरो पर जो स्लोप चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा, फंक्शन का फ्लो कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग टू, और जब भी आप इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाओगे तो टॉप पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा, क्या मिलेगा,
मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब ये जो x इक्वल टू जीरो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्या है, हाँ, सो x इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, x इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, क्यों, क्योंकि x के पीछे जो स्लोप था पॉजिटिव मिल रहा था, आगे नेगेटिव मिल रहा था, मतलब ग्राफ का फ्लो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाओगे तो टॉप पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब सो x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, डन, पक्का, चलो भाई अच्छी बात है, ये हो गया यार। अब अपन ने मालूम इसमें गलती क्या करी, गलती नहीं है वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने पास जो पॉइंट आए थे एक आया था माइनस टू, एक आया था जीरो, एक आया था वन, बट अपन ने लाइन से नहीं लिखा था, तो मैंने पहले जीरो पे चेक कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं है वो, अब मैं माइनस टू पे चेक करता हूँ, किस पे, माइनस टू पे, ठीक है, चलो, तो फिर से वही अक्रॉस एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो बेटा दो बातें होंगी, माइनस टू से छोटा और माइनस टू से बड़ा, चलो अपने मन में माइनस टू से छोटा कोई पॉइंट ले लो, हाँ माइनस थ्री ले लिया, बिल्कुल सही है, माइनस थ्री, चलो आ जाओ इस पे देखते हैं, माइनस थ्री पे एफ डेस एक्स इक्वल टू, हाँ माइनस थ्री पे ट्वेल्व क्या होगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर गलत, माइनस थ्री माइनस वन क्या होगा, माइनस फोर, नेगेटिव तो होगा, बोलो हाँ या ना, चलो प्लस माइनस 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 क्या हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग, कैसा है, हाँ सो दिस इज लेस देन जीरो, समझ में आ गया ना, मतलब डिक्रीजिंग है, कैसा है, डिक्रीजिंग, मतलब जीरो माइनस टू ये था, ये मान लो माइनस टू था, तो माइनस टू के लेफ्ट से जब मैं गिर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज, अब माइनस टू के राइट में ले लो कोई पॉइंट, माइनस वन, हाँ ठीक ले सकते हो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट अपने टू जीरो वन है, हाँ ठीक है माइनस वन, चलो माइनस वन पे चेक करो, है ना, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, अब अपने मन में रखो माइनस वन, लिख भी दिए तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, चलो एफ डैश एक्स का नेचर चेक करो, माइनस वन पे प्लस, हाँ बोलो, और माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, चलो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और दो बार नेगेटिव भी पॉजिटिव, मतलब क्या भैया, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन, बोलो ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ओ इंक्रीजिंग, मतलब माइनस टू पर डिक्रीज से क्या हो गया, इंक्रीज, तो बोलो ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज टू इंक्रीज, मतलब मिलेगा क्या आपको, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, समझ में आया, चलो अब देखते हैं लास्ट बचा x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन, चलो x इक्वल टू वन पे देखते हैं, हमें थोड़ा डायरेक्ट देख लेता हूँ, लिखने की आदत आप कर लेना, x इक्वल टू वन डायरेक्ट देखता हूँ मैं, चलो देखो वन, ये वन है, तो एक पॉइंट वन के लेफ्ट में और एक वन के राइट में, चलो वन के लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लो, जीरो नहीं ले सकते, हाँ जीरो पॉइंट फाइव, क्या ले लो, जीरो पॉइंट फाइव, जीरो क्यों ले सकते, क्योंकि जीरो खुद क्रिटिकल पॉइंट है, तो जीरो पॉइंट फाइव पर चलो एफ डैश एक्स देखते हैं, है ना, तो एक्स लेस देन जीरो जीरो पॉइंट फाइव पे देखते हैं, जीरो पॉइंट फाइव, जीरो पॉइंट फाइव, चलो बोलो पॉजिटिव 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 नेगेटिव, आ गया, मतलब स्लोप क्या है, ओल्ड टोटल नेगेटिव, प्लस 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 माइनस, मतलब ये नेगेटिव, जुई जुई ये गया नेगेटिव, चलो हाँ अब आगे देखो फिर क्या होगा, जीरो पॉइंट फाइव से वन से बड़ा, वन से बड़ा कोई पॉइंट ले लो, वन पॉइंट फाइव, क्या ले ले, वन पॉइंट फाइव, चलो देखो हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वन पॉइंट फाइव माइनस वन यार, प्लस ही तो आए जीरो पॉइंट फाइव, तो ये भी पॉजिटिव, मतलब स्लोप डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो स्लोप डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, बोलो एक्स इक्वल टू वन क्या हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्या हुआ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, आया समझ में, हाँ आएंगे ना, कितने भी हो सकते हैं, अभी कल ही बात हुई थी याद करो, जिंदगी में कितने बार आप, आपकी छोटी मोटी तरक्की होती रहती है, सारी लोकल तरक्की है, छोटी मोटी बुराई होती रहती है, सारी लोकल बुराई है, कमी है, ऐसे कितने भी लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, कितने, हाँ कुछ भी हो सकता है, समझ में ना, तो इसलिए, बट एब्सोल्यूट एक ही होता है, बट हमें एब्सोल्यूट यहाँ फाइंड ही नहीं करना है, क्योंकि आपने लेफ्ट राइट वाली कयामत दी ही नहीं है, समझ गया ना, हाँ तो भैया आपको जीरो पे क्या मिला, लोकल मैक्सिमा, माइनस टू पे क्या मिला, लोकल मिनिमा, और वन पे क्या मिला, लोकल मिनिमा, सो एक्स इक्वल टू वन इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, समझ में आया,
चेक कर लो आंसर एक बार बुक से, देख लो। लोकल मिनिमम मिल रहा है दो जगह -2 और 1 पर, और मैक्सिमम मिल रहा है 0 पर। x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा और -1 और 2 पर मिनिमा, 1 और 2 -2 पर। हाँ ठीक है, आ गया समझ में ना, कर लोगे ना? चलो ठीक है ना, ये हो गया बेटा, नोट कर लो, फोटो ले लो इसकी। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इससे और सरल एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं जिसको? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो कॉपी में हेडिंग डालो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। आज के आज ही पढ़ लेना ये सब। हाँ, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, दो बार डेरिवेश करो। हाँ बट कई जगह ये लगेगा नहीं, वर्ड प्रॉब्लम जब आएगी ना तो आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव भी मदद करेगा, सेकेंड डेरिवेटिव कई जगह लगता नहीं है। चलो ठीक है ना। अच्छा इसमें एक और बात है, वो मैं बताना भूल गया। आपने देखा कि किसी पॉइंट के अक्रॉस स्लोप यहाँ पे चेंज हो रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, समझ गए ना? कभी ऐसा भी होगा कि स्लोप चेंज ना हो किसी पॉइंट के अक्रॉस। जैसे मान लो x इक्वल टू 0 ये पॉइंट है, इसके अक्रॉस स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जहाँ पर स्लोप चेंज नहीं होता है, तो उस समय वो जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि स्लोप चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक एग्जांपल दिए देता हूँ, फंक्शन लिखो fx इक्वल टू एक्स क्यूब। fx इक्वल टू एक्स क्यूब, हाँ x की पावर 3। चलो ये आपके पास फंक्शन है fy इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो डिफ्रेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा? 3x² हो गया। चलो अब बोलोगे इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, कि चीज़ होती है 3x² को किसके इक्वल किया? 0 के। बोलो हाँ, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 0। बोलो यस और नो। फिर हम क्या करेंगे, x के 0 के पहले वाला पॉइंट देखेंगे और 0 के बाद वाला पॉइंट देखेंगे और उसमें इसका नेचर निकालेंगे। चलो ठीक है, ये बन गया 0। अब 0 के पीछे कोई पॉइंट ले लो, -1 पे निकालो डी बाई डी एक्स कितना आ रहा, प्लस ही हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या पॉजिटिव। तो यहाँ भी इसके अक्रॉस ये भी स्लोप पॉजिटिव। बोलो यस। हाँ अब इसके बाद मैं माइनस पे और प्लस पे देखो, 0 से बड़ा कोई पॉइंट ले लो, +1 पे निकालो स्लोप, प्लस पॉजिटिव, मतलब x इक्वल टू 0 पर क्या स्लोप चेंज हुआ? नहीं हुआ, इंक्रीज से इंक्रीज ही जा रहा है ना, इंक्रीज से इंक्रीज ही जा रहा है। तो इस समय अगर स्लोप चेंज नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया ना, यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कंसेप्ट कहलाता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले भी, जिसमें स्लोप चेंज नहीं होता है। चलो अब हेडिंग डाल लो डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अब हेडिंग डाल लीजिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट, DDT, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए देखिए, सवाल जो पिछला वाला था वही है, उसी क्वेश्चन को हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं ना। देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें करना क्या पड़ता है, इसमें आपको जैसे पहले वो क्वेश्चन देख लो फिर समझ में आएगा। हाँ क्या था बेटा फंक्शन fx इक्वल टू, बोलो क्या? हाँ बोलो, 12x³ क्या था ना? 3x4, हाँ 3x, हाँ प्लस 4x³, -12x², हाँ प्लस 12। चलो बेटा ये क्वेश्चन है, चलो डिफरेंशिएट कर दो, सिंगल डेरिवेटिव कर दो पहले। ठीक है बेटा, अगर आपके मन में ये तमन्ना है कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपको लगाना है तो पहले ही डिफरेंशिएट कर दो बार, बाद का कौन रोके। नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, देव नंबर 1 दे दो बाद में कर लेना, समझ गए ना? और करके रखना हो तो करके रख लो, बाद में
एक एक सेकंड बच जाएगा आपका। बस ये इतना रख के रोक रोक दो, ठीक है ना। अब आप आ जाओ पुराने ढर्रे पे। क्या था अपना पुराना? फॉर क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो एफ डैश एक्स को, अच्छा रहेगा। 12 कॉमन, एक्स क्यूब बेटा 12 एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बोलो, ठीक है। हाँ कहाँ पे? अरे इससे इसकी बात चल रही भाई मेरे, इसको तो कोई करना ही नहीं उसको कुछ उसको। हाँ वो इसको इसीलिए मैं बीच में कह रहा था कि संभाल के रखना, उससे कंफ्यूज मत होना। ये केवल बाद के लिए है, ये झंडा है, झंडा फ्लैग सिग्नल देने के लिए वो झंडा है, कोई यूज नहीं उसका। लास्ट में आएगा झंडा देखने के लिए, जब युद्ध विद्ध जीत जाते हैं ना तो वो मसाल फेंक देते ना आसमान में, जीत गए, बस वही झंडा है ये, लास्ट में काम में आएगा। चलो ठीक है। हाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया, कर दिया है ना? नहीं नहीं अभी नहीं करा, पहले फैक्टर कर लो। हाँ क्योंकि जीरो कर दोगे तो 12 को गलती से नीचे ले जाओगे तो जीरो हो जाएगा वो भी। सही बोल रहे हो। हो सही है, आ गया समझ में? ठीक बन गया ना? हाँ अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना? जीरो। तो भैया देखो पहला आएगा एक्स इक्वल टू जीरो, एक आएगा एक्स इक्वल टू कितना? माइनस टू, और एक आएगा एक्स इक्वल टू प्लस वन। आ गया आ गया। अब देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काम की चीज है, ये जो पॉइंट आए हैं, ये जो पॉइंट आए हैं समझ गए ना, वो लिटमस होता है लिटमस पेपर, उसमें आप रगड़ते हो एसिड बेस को, तो कभी लाल रंग आता है कभी नीला रंग आता है ना, ऐसे ये जो पॉइंट आए हैं इनको खिलाओ डबल डेरिवेटिव को। किसको खिलाओ? डबल डेरिवेटिव को। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव दे दे आंसर में तो उल्टा, अगर डबल डेरिवेटिव मान लो इस पॉइंट पर पॉजिटिव दे दिया तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर नेगेटिव दे दे तो ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अपोजिट चलेगा, बस यही याद रखना है ना। तो यहाँ तक आ गया। अब वो कोई आपको वो नहीं करने की जरूरत है कि जीरो के पीछे चेक करो, जीरो के आगे चेक करो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे लिखो यूजिंग डीडीटी डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए सबसे पहले किस पर? एक्स इक्वल टू जीरो पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो। चलो खिलाओ, किसको खिलाओगे? डबल डेरिवेटिव को, एफ डबल डैश एक्स को। बोलो 36 इंटू जीरो जीरो, 24 इंटू जीरो जीरो, और माइनस 24 यही बचा तो कितना आया? माइनस 24। क्या है नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की मिनिमा? गलत, उल्टा बोल गया, उल्टा चलता है। लेस देन जीरो, हाँ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर झंडा नेगेटिव आ गया, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो एक्स इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या? एक्स इक्वल टू वन ले लो पहले, एट माइनस टू ले लो। चलो एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, एफ डबल डैश माइनस टू। चल भैया माइनस टू, हाँ 36 36 माइनस टू का स्क्वायर 4, 36 गुणे 4 144 144 24 इंटू माइनस टू कितना? माइनस 48 बोलो। हाँ और माइनस का 24 क्या आया भैया? ये हो गया 72 और ये हो गया अपने पास कितना? 24 ही आया, 24 72 144 माइनस 72 बोलो कितना आया? प्लस 72। क्या पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। तो क्या आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा? कौन 72 या माइनस 2? गलत। किसके बारे में चेकिंग चल रही है? माइनस 2। वो तो झंडा है यार, झंडा तो सिग्नल होता है, है? मैच थोड़ा ना झंडे ने जीता, मैच तो इंडिया ने जीता है ना। मैच किसने जीता? इंडिया ने, ठीक है ना। वो तो झंडा है, वो तो सिग्नल दिखा रहे हैं कि हाँ जीत गए भाई। चलो
तो x इक्वल टू माइनस टू, सो x इक्वल देखो जिस पे लिखते हैं वही, x इक्वल टू माइनस टू इज पॉइंट ऑफ लोकल क्या मिनिमा। चलो लास्ट, एट x इक्वल टू वन, चलो f डबल डैश वन, चलो भैया देखो 36 36 ही आएगा, 24 ही आएगा, 24 से 24 कैंसिल, 36 ग्रेटर देन जीरो, क्या हुआ लोकल मैक्सिमा कि मिनिमा, बस हो गया खत्म। लोकल मिनिमा, पानी की कमी, नोट करो। तो बच्चों बस यही करना है इस चैप्टर में, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मर्जी आपकी भैया। डबल डेरिवेटिव लगाना है, देखो डबल डेरिवेटिव आसान है बच्चों, है ना, डबल डेरिवेटिव क्या है, आसान टेस्ट है, इससे जल्दी आ जाता है ना। हाँ कई बार बच्चों क्या होता है, कई बार कि आप f डबल डैश x निकालोगे किसी पॉइंट पर, जैसे मान लो जीरो पर निकालते, तो पॉजिटिव आता तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नेगेटिव आता तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब आप कहोगे जीरो, हाय राम क्या करें, जीरो आ गया। तो अगर बेटा f डबल डैश जीरो आ जाए, इसका मतलब समझ जाओ कि ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर रही है, फिर आप सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे। क्या लगाओगे? हाँ, फिर उस समय आपको बैक उसी में जाना पड़ेगा, है ना। सिंगल डेरिवेटिव में क्या देखते हो, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। अब करते हैं बेटा इस पर वर्ड प्रॉब्लम, कि इस पर वर्ड प्रॉब्लम कैसे आती है, ठीक है ना। चलो वर्ड प्रॉब्लम नोट करूं, दिखाना है यार बुक। चलो एग्जांपल नंबर 34 लिखो, एग्जांपल नंबर 34 ये लिख लिया, ये लिख लिया ना। हाँ एग्जाम्पल 34, एग्जाम्पल 34, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15, सम इज 15 and whose and the sum of whose square is minimum and the sum of whose square is minimum। बस अब सवाल को बहुत अच्छे से पहचानना है। नंबर वन, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पर खेलना है, उनके नंबरों के स्क्वायर के सम पर। चलो क्या कह रहा है बोर्ड की तरफ देखो, कह रहा है दो ऐसे नंबर है जिनका सम 15 है। पहला काम, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, लिखो लेट द नंबर बी स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखो नहीं जगह कम पड़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 15। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15। बेटा दो वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, मगर हमारी दम कितने वेरिएबल वाली डिफरेंशिएशन में, एक वेरिएबल। तत्काल वाई को गायब करो और वाई की वैल्यू निकालो, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, 15 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, नोट करो, वाई इक्वल टू 15 माइनस एक्स। चलो ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ने किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को कहा है, पक्का बोला होगा किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। हाँ स्क्वायर, नंबर के स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। तो बेटा ना फंक्शन बनाओ, लिखो लेट, एक हमने फंक्शन बनाया एस, क्या बनाया एस, एस मतलब सम, किसका सम, स्क्वायर का, किसका सम, स्क्वायर का। तो एक नंबर है एक्स का स्क्वायर और दूसरा नंबर है वाई का स्क्वायर, दो नंबर थे ना बेटा, अपन को इसी को मिनिमाइज करना है। इसी को क्या करना है, मिनिमाइज बोला है ना, मिनिमम, हाँ मिनिमम, वही वही मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, काम तो एक ही रास्ते जाएगा। चलो वही प्रोसेस पूरी वही है। तो एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों बस ये देखो ये बन गया। यार हुआ क्या है, अभी तक आपको क्वेश्चन सीधे यहाँ से देता था, अब आपने उसको लैंग्वेज पकड़ा दी थी सारी, पकड़ाई ना, तो अपन ने उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके इसको क्वेश्चन को ऐसा बना लिया, बना लिया। अब अपना नेचुरल जैसा अपन काम कर रहे थे वही करेंगे बस। चलो आ जाओ, बस पहले एफ एक्स था, अब एफ एक्स की जगह क्या कर दिया, एस एक्स, एस फॉर सम, डी फॉर डिफरेंस, एम फॉर मल्टीप्लाई, जो भी आए वैसा लिख देना। सर हम तो क्यू एक्स लेंगे, ले ले बेटा कोई बात नहीं, क्यू एक्स ले लो। सर हम टी एक्स लें, कुछ लेना हो जो ले लो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, बस फंक्शन ऑफ एक्स है।
चलो इसको मिनिमाइज करना है, क्या होते था कदम, सर डिफरेंशिएट करो एस डैश एक्स, करा डिफरेंशिएट, बोलो इसका कितना 2x, काश तुम t होते तो हम 2 नीचे उतर करके आ जाते, 2 फिर t होता 15 माइनस x, 15 का 0 और x का कितना माइनस 1, माइनस x का माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, डिफरेंशिएट कर दिया बेटा आ गया, चलो 2x, हाँ माइनस क्या हो गया माइनस 2 हो गया, माइनस 2 इंटू 15 माइनस 30, माइनस 30 और क्या हो गया प्लस 2x, प्लस होगा बेटा प्लस प्लस होल प्लस होगा क्योंकि ये भी माइनस प्लस हो गया, हो गया चलो भाई सॉल्व कर लो, 2x प्लस 2x कितना 4x माइनस कितना 30, ये आ गया s डबल डैश x, s डबल डैश x, ओ सॉरी डैश x, सॉरी बेटा s डैश x आ गया, आ गया। चलिए अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्यों क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा उसी पर तो निकलता है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, s डैश x को किससे कंपेयर करते हैं, जीरो से, मतलब s डैश x इक्वल टू जीरो, मतलब कि 4x माइनस 30 इक्वल टू कितना जीरो, 4x माइनस यानी 4x इक्वल टू कितना 30, यानी x इक्वल टू कितना 30 अपॉन 4, मतलब कितना बेटा 15/2 है ना, 2 5 30 2 2 4 15/2, हाँ भाई अभिषेक बोलो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, कैसे कह दिया, अरे इसको देख के पता चलता है ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, किस में डालेंगे, हाँ बस बिल्कुल सही, हाँ एक बार इससे कम वैल्यू ले लो एक बार इससे ज्यादा वैल्यू ले लो, हाँ ये तो नहीं वो ये तो पॉइंट है ना, अब इस क्रिटिकल पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर या तो स्लोप जो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो इसको चेक करना है, तो दो रास्ते हैं सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव, बताओ किससे जाएं, सिंगल से या डबल से, सिंगल से, चलो सिंगल से जाते हैं आप कह रहे हो तो डबल से भी देख लो, दोनों से देख लो, चलो ये स्लॉट बनाया बेटा 15/2 मतलब 7.5, बोलो हाँ 7.5, अब यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और यहाँ लिखता हूँ क्या डबल डेरिवेटिव टेस्ट, बोलो यस, बोलो यस और नो, तो भैया डबल डेरिवेटिव के लिए हमको डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ मैं यहीं पर डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, एस डबल डैश x इक्वल टू 4 × 1 = 4 और 30 का 0, अरे वाह ये तो 4 ही आ गया, 4 आ गया, अब हमको डबल डेरिवेटिव पर चेक करना है, चलो देखते हैं झंडा किस कलर का है, डबल डेरिवेटिव पर चेक करना है x इक्वल टू कितने पर 7.5 पर, चलिए s डबल डैश 7.5 यानी 15/2 क्या आया, रखने की जगह ही नहीं है, 4 ही आ रहा है, 4 ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की मिनिमा, कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा 4 या 7.5, बिल्कुल सही, सो x इक्वल टू 7.5 मतलब 15/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब हमको x इक्वल टू 15.2 पर अपने फंक्शन की कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम x इक्वल टू 15.2 पर कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम, अब देखिए क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू निकालने को बोला था, हाँ समझ में आया, तो आंसर आंसर आ गया x इक्वल टू कितना 15/2, बोलो यस, अब y निकाल लो, y क्या था 15 माइनस x, तो y इक्वल टू 15 माइनस x की वैल्यू आई है 15/2, पूरे 15 में से आधा 15 गया तो बोलो वैल्यू कितनी आई, हाँ तो आंसर होगा 15/2 और 15/2, क्लियर हुआ x और y की दो वैल्यू, तो पूछा जाए कि बताइए किस वैल्यू पर ये सम मिनिमम होगा, आंसर 15/2 और 15/2 पर मिनिमम होगा, आपको सम की वैल्यू पूछी है क्या, बोला है क्या कि पॉइंट पूछा है, हाँ नंबर पूछे हैं उसने, अगर बोला होगा फाइंड द मिनिमम सम तो फिर रख दो पुट कर दो, लियो तुमने बोला सर हमें मिनिमम सम की वैल्यू बताओ कि सबसे छोटा मिनिमम सम कितना होगा, तो 15/2 का स्क्वायर और 15/2 का स्क्वायर, बोलो हाँ, तो भैया 225/4 और 225/4, 225 कितना हुआ 500, नहीं 450, 450 कितना 4, आंसर आ गया 8, हाँ काय को 8, वाह बेटा नीचे एलसीएम होगा, हाँ है ना समझ में आ गया, 450/4 आ गया, आ गई वैल्यू, अब चलो देख लो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देख लो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अपन क्या करते थे, इस वैल्यू के पीछे और इस वैल्यू के आगे क्या देखते थे अपन, पॉइंट वैल्यू चेक करते थे f डैश x, चलो तो x लेस देन 7.5
7.5 से पीछे कोई वैल्यू ले, 6 6 ले लिया, 7 ले लो, चलो 7 ले लिया। अब एफ डैश एक्स निकालो इस पे, चलो 7 पे 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 माइनस 30 माइनस 2, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, नेगेटिव, यस और नो। अब x 7.5 से बड़ी वैल्यू ले लो, 8 ले लो, 8 4 8 जा 32 माइनस 30 कितना, 2, पॉजिटिव की नेगेटिव, मतलब x ग्रेटर देन 7.5 पे एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। तो ये गोदी वाला पॉइंट क्या हुआ, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, मतलब इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, 7.5 पर वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम, वही तो चाहिए थी। सो एक्स इक्वल टू 7.5 या 15/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, समझ में आया। तो भैया फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हो, अब सारे सड़े क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव लगाना, फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत तगड़े क्वेश्चन के लिए है, अभी जब आएंगे तो बताऊंगा, चलो ठीक है, नोट कर लो। आया अच्छे समझ में कि नहीं आया, ठीक है ना, तो ये बेटा होगा इसकी वर्ड प्रॉब्लम, चलो नोट करो।